असलम स्टूडेंट्स एज वी आर डिस्कसिंग द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान दिज डेज सो टुडे वी विल डिस्कस वट आर दब ऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ ईच प्रोविंस सबसे पहले हमने ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट को अपील कैसे की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट को अपील करने के लिए आर्टिकल के 203 सौ तीन शिक के तहत अदालत के सामने कोई फ़र्द मस्कूरा कार्रवाई में अदालत के फैसले से नाखुश हो गैर मुतमिन हो तो फैसले से साठ दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है और वफाक या किसी सूबे की तरफ से अगर अपील हो तो वो छः माह के अंदर दाखिल कर सकती हैं यानी किसी फ़र्द को ने अपील करनी हो सुप्रीम कोर्ट को तो वह साठ दिन के अंदर और किसी सूबे ने करनी हो तो वो छः माह के अंदर अंदर कर सकता है अगर वफाक शर अदालत ने किसी शख्स को तोहने अदालत पर सज़ा दी हो या अगर अदालत ने अपील पर किसी मुलजिम का कोई हुक्म में बरीत मनसूख कर दिया हो, में बरीत यानी बरी करने का हुक्म तो अपील पर उसको मनसूख कर दिया गया हो या उसे चौदह साल उम्र क़ैद या मौत की सज़ा हो या नज़रसानी करते हुए सजा में इजाफ़ा कर दिया गया हो तब भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है उसके बाद आते हैं हमारा मेन टॉपिक जो कि है मातहत अदालतें पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और वफाकी शर अदालत के बाद अदलिया का एक वसी नि मकामी और ज़िली सतहों पर कायम है यानी मरकज़ी सतह पर हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स हर सूबे के अंदर सबसे बड़ी अदालत है और उसके अलावा वफाकी शहीदालत भी मरकज़ में कायम है तो आपको जब मैंने जुडिशरी का टॉपिक स्टार्ट करवाया था तो उस मैंने बताया था कि पाकिस्तान में वैसे तो वफाकी निज़ाम है और मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें अलग अलग काम करती हैं लेकिन जो कोर्ट्स का निज़ाम है वो आपस में एक, एक मरबूत है एक के साथ एक जुड़ा हुआ है यानी नीचे से ऊपर वाली कोर्ट्स की निगरानी करते हैं उससे ऊपर वाली कोर्ट्स फिर उससे ऊपर वाली फिर ये जो लेवल है ये अब होते होते ये हाई कोर्ट तक रीच करता है और फिर हाई कोर्ट की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करती है ये जो बाहम मुनसलिक और मरबूत निज़ाम हमें अभी नज़र आ रहा है ये बरतानवी दौर से चला आ रहा है और बरतानवी दौर में ही इसी तरह अलग अलग जो अदालती निज़ाम था कायम था और दीवानी फौजदारी और मालगुजारी अदालतें अदालतेंहदा आलदा कायम थी इनकी डिटेल आपको मैं बता देती हूँ थर्ड ईयर के अगर आपको टॉपिक याद हो लॉ का तो उसके अंदर आपने कानून की इकसाम पढ़ी थी जिसमें दीवानी कानून था फ़ौजदारी कानून था मालगुजारी के तो उसमें नहीं था ये इसका मैं आपको रेवेन्यू कोर्स इनको कहते हैं ये मैं अलग से आपको बता देती हूँ दीवानी बेसिकली सिविल दीवानी कानून सिविल लॉ पर मुश्तम होता है जिसमें शादी ब्याह तलाक विरासत ये वाले जो आ, मुकदमात हैं वो इन अदालतों में आते हैं और ये अदालतें किसी के हक़ में और किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती हैं ज़ाहिर है शादी का तलाक का इस तरह का को कोई केस है तो किसी एक के फेवर में होगा किसी एक के अगेंस्ट होगा लेकिन ये सजाए नहीं देती दूसरी तरफ फौजदारी अदालतें आती हैं जो कि फ़ौजदारी कानून के, के तहत काम करती हैं जिसमें डकैती कत्ल चोरी डाका जनी ये वाले मुकदमा आते हैं और ये आ, किसी शख्स को सजा देती हैं और सजा में इवन जैसे कत्ल वगैरह के केसेस में मौत तक दे सकती हैं और उसके बाद मालगुजारी अदालतें आती हैं ये बेसिकली रेवेन्यू uh, से रिलेटेड होती हैं uh, पैसे से रिलेटेड होती हैं माल गुजारी अदालत से आप मतलब ये समझ सकते हैं जो टैक्सेस महसूल वगैरह को रेगुलेट करती हैं और बेसिकली ये जो ज़मीनों से टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं ये और या प्रॉपर्टीज़ के जो होते हैं टैक्सेस वगैरह और जो मुख्तफ प्लेस से टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं ये उसके uh, उसके ऊपर काम करती हैं उस तरह के केसेस को लेती हैं तो <coughs> सबसे पहले जो आ, किसी भी सूबे में कोर्ट्स आती हैं वो तो सबसे अपर लेवल की कोर्ट सूबे की सबसे अली तरीन कोर्ट हाई कोर्ट होती है और उसके बाद एक सुबह कई ज़िलों में तकसीम होता है और हर ज़िले के अंदर एक ज़िले अदालत होती है जो उस ज़िले की सबसे बड़ी अदालत हो, होती है जिसको डिस्ट्रिक एंड सेशन कोर्ट कहते हैं और ये डिस्ट्रिक एंड सेशन कोर्ट ज़िले की सतह की सबसे बड़ी दीवानी और फौजदारी अदालत होती है हर सुबह कई ज़िलों में तकसीम किया जाता है और ये जो ज़िले की डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट हैं ये अपने से छोटी अदालतों के ख़िलाफ़ अपीलें सुनती हैं सेशन जज की मदद के लिए एक ज्यूरी बनाई जाती है जिसकी राय पर अमल करना सेशन जज के लिए ज़रूरी नहीं होता अगर सेशन कोर्ट किसी शहरी को सजाई मौत देते दे तो उसकी तोसीक़ फिर हाई कोर्ट से करवाना ज़रूरी होती है उसके बाद आती हैं दीवानी अदालतें सिविल कोर्ट्स सिविल कोर्ट्स का जो सबसे बड़ा जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का जो ज़िले सता का जज होता है वो वही होता है यानी जो डिस्ट्रिक्ट सेशन का जज है वही ज़िले सता का भी दीवानी मुकदमा ज़िले सतह पर दीवानी मुकदमा का भी सबसे बड़ा जज होता है और वो बहसी डिस्ट्रिक्ट जज दीवानी मुकदमा की समात करता है और वो फौजदारी समात की फौजदारी मुकदमात की समात का भी इख्तियार रखता है इसके मातहत सिविल अदालतें कायम होती हैं जिनमें सीनियर जज दर्जा अव्वल दर्जा दोम और दर्जा सोम को तैनात किया जाता है और हर जज मखसूस मालियत तक मुकदमा सुनता है अगर आपने कभी कोर्ट्स का विज़िट किया हो तो आपने देखा होगा कि जैसे ये रावलपिंडी की आ, है कोर्ट है तो इसमें आ, एक कोर्ट के अंदर कई कोर्ट शामिल होती हैं तो इस तरह से काम करती हैं और इसमें जजेस को जजेस दर्जा अवल सीनियर जज दर्जा अवल दोम और सोम होते हैं और इनके दर्जात इनको इसलिए दिए जाते हैं इनके इख्तियार बुनियाद पर दर्जा अवल वाले के पास ज़्यादा इख्तियारत होते हैं वो दस हज़ार मालिये तक का से पचास हज़ार मालिये तक के फ़ाइन कर सकता है फ़ाइन वो नहीं इसको उर्दू में कुछ और इसके टाइम को कहेंगे उसकी सज़ा उससे दे सकता है उसके अलावा दो माह से छ माह की कैद इसी तरह दर्जा दोम वाला फिर उससे कम मालियत के पच्चीस दस से पच्चीस हज़ार वाले और फिर इसी तरह दर्जा सोम वाला उससे कम मालियत वाले तो इस तरह के जो ये इनके दर्ज़ात इस तरह से कायम किए जाते हैं बेसिकली जो जी सीनियर जज होगा वो दर्जा अवल का होगा जो सेकेंड सीनियर होगा वो दर्जा दोम और जो बिल्कुल जूनियर जज होगा वो दर्जा सोम का आ, होगा और जो सिविल जजेज़ होते हैं इनके फैसलों के खिलाफ अपीलें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सामने पेश होती हैं लेकिन अपील के लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम मुकदमा पचास हज़ार रुपये की मालियत का हो और डिस्ट्रिक्ट जज जज के ख़िलाफ़ अपीलें भी डिस्ट्रिक्ट जज के ख़िलाफ़ जो अपील है वो हाई कोर्ट सुनती है उसके बाद आती हैं फौजदारी अदालतें फौजदारी अदालतों के सामने वो मुकदमा पाए जाते हैं जिनका ताल्लुक़ कत्ल डकैती चोरी डाका जनी वगैरह से होता है और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जो जज है वो बतौर सेशन जज भी ज़िले का फौजदारी मुकदमा के हवाले से सबसे बड़ा जज होता है यानी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का जज है वो दीवानी और फौजदारी अदालतों का सबसे बड़ा सीनियर जज सबसे बड़ा जज तस्वुर होता है और जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं वो उसके मातहत होते हैं जिनकी मुख्त अकसाम होती हैं अगेन जिस तरह से आपने अभी पढ़ा के दीवानी मुकदमात में दर्जा अवल दर्जा दोम और दर्जा सोम के मजिस्ट्रेट होते हैं इसी तरह फौजदारी मुकदमा में भी दर्जा अव्वल दर्जा दोम और दर्जा सोम के मजिस्ट्रेट होते हैं और उनके भी इखतीरा में इसी तरह डिफरेंस है कि दर्जा अवल का जो मजिस्ट्रेट होगा वो सात साल तक सज़ा दे सकता है क्योंकि यहाँ पर कत्ल चोरी डकैती वगैरह के मुलम होते हैं और उस तरह के मुकदमार आते हैं उसके बाद दर्जा दोम वाला जो होगा वो आ, दो साल और एक हज़ार तक जुर्माना कर सकता है और दर्जा दोम का मजिस्ट्रेट उसके बाद दर्जा सोम वाला एक माह का कैद और पचास रुपये जुर्माना करने का अख्तियार रखता है ये जो पचास रुपये वाला है ये आप मेरा ख़्याल है ये अब दस हज़ार वाला और दस हज़ार वाला पच्चीस हज़ार वाला हो गया है और जो फर्स्ट वाला था वो तकरीबन पचास हज़ार वाला का हो गया है क्योंकि ये आपकी बुक्स के एडिशन पुराने होते हैं तो अब ये डिफरेंट हो गए हैं और जो दर्जा सोम का बिल का मजिस्ट्रेट होता है एक तो मजिस्ट्रेट है दर्जा सोम का जो थोड़ा सीनियर है जो बिल्कुल जूनियर है इन्होंने क्योंकि यहाँ पे हर एक की दो कैटेगरी बताई हैं तो सबसे कम जो सज़ा है वो पचास रुपये नहीं आ रही अब वो मेरा ख्याल है अब वो पाँच सौ रुपये है हाँ अब वो पाँच सौ रुपये हैं जो सबसे कम वो किसी को जुर्माना कर सकता है और जो डिप्टी कमिश्नर है किसी भी ज़िले का उस ज़िले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है और वो एट अ टाइम उस इलाके के अमन अमान का ज़िम्मेदार भी होता है क्योंकि वो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर है और दूसरी तरफ वो उस इलाके का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो भी होता है और जितने उसके मातहत मजिस्ट्रेट होते हैं उनके वो कामों की निगरानी करता है और हर हल्के को थानों में बाँट कर फिर मजिस्ट्रेट के ताबे कर देता है तो आपको जब पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसमें एक पॉइंट ये भी था कि फ़ौजदारी सॉरी uh, uh, इंतज़ामिया और अदलिया को अलग करने के लिए दस साल का अरसा क्या उसके आइन के अंदर एक शिक्ष शामिल की गई थी कि दस साल के अंदर अंदर अदलिया और इंतज़ामिया को अलग कर दिया जाएगा तो बेसिकली ये अदलिया और इंतज़ामिया इकट्ठी थी बरतानवी दौर में लेकिन uh, इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेट सिस्टम है कि अपर लेवल पर ऐसा है ज़िले की सतह से बाहर कि ऐसा uh, नहीं है कि अदलिया बिल्कुल अलग होकर काम करती है लेकिन लोअर लेवल पर अभी भी अदलिया को इंतज़ामिया से अलग किया नहीं किया जा सका अभी तक ऐसा ही है कि जो इस डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो अपने इलाके के मजिस्ट्रेट भी होते हैं उसके बाद आती हैं मालगुजारी अदालतें या रेवेन्यू कोर्ट्स डिप्टी कमिश्नर अपने अपने ज़िले का कलेक्टर भी होता है इसके मातहत ज़िले में मालगुजारी की जितनी भी अदालतें हैं वो कायम हैं होती हैं और ये अपनी तरह से निचली अदालतों की भी निगरानी करता है नायब तहसीलदार तहसीलदार कलोनी असिस्टेंट और माल अफसर मालगुजारी मुकदमात की समात करते हैं और इनके ख़िलाफ़ अपीलें डिप्टी कमिश्नर सुनता है हर ज़िले में मालगुजारी की तशीस महसूल की वसूली और बंदोबस्त से मतलब तमाम फैसले मालगुजारी अदालतें ही करती हैं इस सब का मतलब ये है कि डिप्टी कमिश्नर अपने ज़िले का कलेक्टर भी होता है जितना भी रेवेन्यू है किसी इलाके से वो यही उसको कलेक्ट करता है रेवेन्यू क्या है पैसा है जो किसी एक तो पैसा है जो गवर्नमेंट को जाता है जैसे कि कमर्शियल बिल्स कमर्शियल जो टैक्सेस वग़ैरह के थ्रू जाता है और एक वो होता है जो इस तरह से जो लोकल रेवेन्यू जाता है जैसे कि ज़मीनों से और उसके अलावा जो किसी ऑनरशिप को के मुकदम्स सुनती हैं उसके अलावा ऑनरशिप को डील करती हैं इसके अलावा जो टेनेंट्स होते हैं रेंट, रेंट पे जो होते हैं रेंट्स वगैरह के जो मुकदमात हैं उनको बढ़ाने का इख्तियार इनके पास होता है या उनको कम करने का तो इस तरह के जो होती हैं केसेस वो मालगुजारी अदालतों के पास आते हैं और इसके इनके ख़िलाफ़ भी अपील सुनने का अख्तियार कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर क्योंकि इनके ख़िलाफ़ अपील सुन ये मुकदमा सुनता है उनकी समात करता है तो उसके खिलाफ अपील का इख्तियार डिप्टी जो कमिश्नर है उसको हासिल होता है और कमिश्नर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फिर सूबे की सबसे बड़ी जो अदालत है रेवेन्यू बोर्ड में पेश होती हैं और उसके बोर्ड के फ़ैसलों को किसी और अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता यानी ये जो कोर्ट्स हैं ये सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड होती हैं तो उस सूबे के अंदर रेवेन्यू कि जो सबसे बड़ी अदालत से रेवेन्यू बोर्ड कहते हैं वो होती है उस जब वहाँ से भी किसी को कोई आ, सजा दी जाती है या फ़ैसला दिया जाता है तो फिर वो फ़ाइनल डिसीजन होता है उसके ख़िलाफ़ कहीं पर भी अपील नहीं हो सकती उसके बाद आती हैं मसालती है अदालतें ये अदालतें फौरी तौर पर आ, किसी सूबे के अंदर जो फ़ौरी इंसाफी फरहमी के लिए बनाई गई हैं और ये मामूली नोयत के मुकदमात की समात करती हैं जिसमें एक हज़ार से ले कर पच्चीस हज़ार तक के मुकद पच्चीस सौ तक के मुकदमा कर सकती हैं और अब इनका भी जो दायरा कार है वो बढ़ा कर तकरीबन दस हज़ार कर दिया गया है और ये बेसिकली जो छोटे मोटे केसेस या मुकदमात हैं उनके जमात के लिए होती हैं जो मामूली नोयत के होते हैं लेकिन ये बेसिकली सज़ा देने के लिए नहीं सिर्फ मसाला कराने के लिए होती हैं उसके बाद आते हैं इंतज़ामी ट्राइब्यूनल्स पाकिस्तान में बरतानिया की तर्ज पर जो सारा कानून का निज़ाम है अदालती निज़ाम है ये बरतानिया का ही कायम करता है और यहाँ पर भी कानून की हाकमियत के असूल को तस्लीम किया गया है यानी रूल ऑफ़ लॉ है हर एक पर एक ही कानून लागू होता है जैसा कि आपने अपने क़ानून वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि फ़्रांस में ऐसा है कि वहाँ पर जो सरकारी ऑफिसरान हैं उनके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव कानून होता है और उनका उनके जो मुकदमत हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में लाया ले ले जाए जाते हैं जबकि जो आम लोग हैं वो पब्लिक लॉ के अंडर आते हैं और उनकी जो पब्लिक कोर्ट्स हैं वहाँ पर उनके मुकदमा जाते हैं तो पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है बल्कि आम शहरी और सरकारी मुलाजमतों मुलाजमों में आम हालात में कोई तमीज़ नहीं रखी गई यानी कोई फ़र्क नहीं रखा गया है और एक ही नोयीत के दोनों के लिए दीवानी कवानी भी हैं और फौजदारी भी हैं लेकिन द, जो आयन है इसके आर्टिकल टू ट्व की रूह से इंतजामी ट्राइब्यूनल की एक गुंजाइश पैदा की गई है और इनके लिए कवानी का ढांचा आम शहरी के लिए मखसूस कवानीन वाला ही है और इसमें इंतजामी अदालतों को बहुत अमल दखल है हासिल है ये अदालतें मुल्क आम कानून के मुताबिक फ़ैसले करती हैं और समात करती हैं बेसिकली इंतजामी ट्राइब्यूनल में मुलाजमीन के वो मुकदमात आते हैं जिनका ताल्लुक उनकी सर्विस से होता है जैसे तनख्वाह पेंशन प्रमोशन और दीगर शराइ मुलाजमत के मतलब पैदा होने वाले मसाइल और उनका हल जैसे किसी डिपार्टमेंट में स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशन बहुत लेट होती हैं तो इसके खिलाफ कोई मुकदमात लेकर जाएं या डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं उनके जो पेंशनस हैं या उनकी सैलरीज हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है फैसिलिटेशन का डिफरेंस है तो इस तरह के जो मुकदमा हैं ये उनके सर्विसेज से रिलेटेड हैं इनको आम अदालतों में नहीं लेके जाया जाता बल्कि इनको फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में ले जाया जाता है इसी तरह ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो इंतज़ामी नोयीत के हैं यहाँ पर पार्लियामेंट भी वक्ता फवता कानून साजी करके इनको इख्तार दे सकती है और इसके अलावा जो पार्लियामेंट के कानून के तहत कायम होने वाले ट्राइब्यूनल हैं उसके मामलों में मुदाखलत का इखियार किसी दूसरी अदालत को नहीं है जाहिर बात है कि इनका ताल्लुक आम मुकदमत से नहीं होता ये सर्विसेज से रिलेटेड होता है उस सूबे के अंदर जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए उनके जितने भी मसाइल हैं उनके आ, वो मुकदमात से रिलेटेड होता है ताकि उनको जल्दी फौरी इंसाफ और अपने पेशे से रिलेटेड जो उनके आ, मुकदमात हैं वो सुने जाएँ तो उस तरह के जो मुकदमात हैं उनको अलग ही डील किया जाता है और मरकजी सतह की तरह सूबाई सतह पर भी ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं और इनकी तख्लीकूबाई असम्बली के कानून के तहत की जाती है ये ट्राइब्यूनल किसी सरकारी मुलाजिम के हक़ को बहाल करने के लिए मुकदमा सुन सकते हैं जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल किसी सरकारी मुलाजमत मुलाजिम की आ, किसी वजह से सर्विस चली जाती है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा सुन सकते हैं उसके अलावा ये जो ट्राइब्यूनल जो भी फैसला देते दे, हैं उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ये महसूस करे कि किसी मुकदमे में आयन या कानून की वजाहत की ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट खूसी इजाज़तनामा बर अपील दे सकती है आम हालात में इसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं हो सकती उसके अलावा दुश्मन की अमलाक और उसके इंतज़ाम के मतलब मुकदमा भी ट्राइब्यूनल के सामने लाए जाते हैं दुश्मन मुल्क की अमलाक में वो आ सकती हैं अमलाक जो जंग के दौरान हासिल हुई हैं जंग में फ़तह की सूरत में या इसी तरह इस की दुश्मन मल्कि अमलाक और कैसे आ सकती हैं ऐसे ही आएँगी उसके अलावा किसी भी तरीके से जैसे किसी एनिमी कंट्री है उस, उससे कोई भी चीज़ हासिल हुई है उसकी इमलाक और उसके इंतज़ाम के मतलब जो भी निज़ाम चलाया जाएगा वो मुकदमा इसके अंदर आते हैं उसके अलावा ऐसे मुकदमा भी सर्विस ट्राइब्यूनल सुनता है जिसमें मकामी इदारों के किसी बाइतियार अफसर की तरफ से महसूल आय महसूल यानी टैक्स आयद करने के बारे में कोई झगड़ा हो कोई तनाज़ा हो तो उसके बाद नेक्स्ट आती हैं एंटी टेर्रेर्रज़म और स्पेशल कोर्ट्स एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स आपने यहाँ तो ये 1991 वाली हैं जो आपकी बुक में है उसके अलावा आपको पता होगा कि मुशरफ दौर में बहुत ज़्यादा टेररिज्म हो गया था बहुत ज़्यादा कुछ इलाकों में पूरे पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक होते थे और बहुत सारी तंजीमें चल रही थी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में स्पेशली ऑपरेशनस करके उनको कलदम तनज़ीमों को ख़त्म किया गया तो इस तरह के जो थे वाक़ उनको रोकने के लिए ये किया गया था कि ये एंटी टेररिज्म और स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी ताकि जो संगीन नोयत की गर्दी है उसको फ़ौरी तौर पर रोका जा सके इसी तरह कराची के हालात बहुत ख़राब हुए थे नाइन्टीज़ में अर्ली नाइनटीज़ में तो उसके लिए भी फिर ये एंटी टेर्रज और स्पेशल कोर्स बनाई गई थी अगवा बरए तावान दहशतगर्दी और तीसरी संगीन वारदातों की वैसे ये महसूस किया गया था कि सख्त इकदाम उठाए जाने की ज़रूरत है इसीलिए यह खूस अदालतों का क्या अमल में लाया गया था दस्तूर के आर्टिकल टू ट्वेल्व बी के तहत खसूसी अदालतों को खसूसी इख्तियार भी दिए गए हैं और ये दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए उन अदालतों में हाई कोर्ट के सबका जजों को या ऐसे माहरीन को मुकर किया जाता है जो हाई कोर्ट का जज बनने के अहल हों अदालतों के क्या में चीफ जस्टिस का मशा ज़रूरी समझा गया है और इन अदालतों को सत्ताईस जुलाई नाइनटीन नाइन्टी वन से इनका नफाज अमल में आया उसके अलावा जो लास्ट वाला पॉइंट है वो आप ये ऐड कर सकते हैं कि जो स्पेशली गर्दी की एंटी टेररिस्ट जो कोर्स हैं वो बनाई गई थी बेसिकली वो कोर्स नहीं थी एंटी टेररिस्ट आप ट्राइब्यूनल कर सकते हैं कह सकते हैं उन्हें जो बनाई गई थी 2010 के बाद बनाई गई थी और बेसिकली वो इसलिए बनाई गई थी कि दहशतगर्दी के मुकदमा का लतन तंजीमों से रिलेटेड मुकदमा को और दहशतगर्दों को फौरी फैसलों के तहत सज़ाएँ दी जा सकें ताकि मुल्क के जो संगीन हालात हैं उनको कंट्रोल किया जा सके तो यहाँ जो हमारी वो कोर्ट्स हैं जो कि बड़ी जो कोर्ट्स थी उनके अंडर काम कर रही थी सब आर्डीनेट कोर्ट्स थी हमारी उनका टॉपिक कंप्लीट होता है